जिस टाइप से हमने सोचा था उससे तो काफ़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छा उसका एक्शन वगैरह भी बहुत अच्छा था और सॉन्ग वगैरह भी जो थे मतलब काफ़ी अच्छा था। तो मूवी में जो विजय की परफॉर्मेंस है वो कैसा? सर वो तो बहुत औसम है, मतलब मैंने काफ़ी सारी मूवी उनकी देखी पर मुझे ये मूवी सबसे अच्छी लगी सर, एक्शन के मामले में। जी सर। और कॉमेडी भी है मूवी में या इमोशनल ड्रामा? एक्शन के साथ भी काफ़ी सारा एक्शन है सर, बहुत अच्छा है सब इमोशन। हाँ कॉमेडी भी बहुत है सर, मतलब एक्शन के साथ साथ में जो मिक्सर उन्होंने किया है एक्शन के साथ में, जैसे एक्शन कर रहे हैं उसी के साथ में जो उन्होंने कॉमेडी मिक्स किया है वो बहुत अच्छा है सर, अच्छी लगी। और अनन्या के साथ उनकी जो बॉन्डिंग केमिस्ट्री है वो कैसी है? सर वो भी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी ट्विस्ट, पहले तो उन्होंने उनको छोड़ा फिर लास्ट में जो ट्विस्ट आया काफ़ी अच्छा लगा सर वो। जी सर। और क्या है मूवी में अच्छा? सर मतलब काफ़ी अच्छी लगी तो मूवी सर, सब सब सर आपने हिंदी में देखे ना? हाँ सर हिंदी में। हिंदी डबिंग कैसे थे? सर काफ़ी अच्छी है, लगा नहीं कि मतलब कुछ मूवी होती है मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट इसमें बहुत अच्छी थी सर। और हिंदी का डायलॉग्स वगैरह कैसे सब अच्छे थे सर? बहुत अच्छे थे सर। फिल्म लगभग 2.5 घंटे की और स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है तो कहीं यूँ लगा फिल्म की लेंथ ज्यादा? नहीं नहीं सर, हम तो सोचे थे कि और मूवी और बढ़ जाए और देखने को मिले, कहीं बोर बोर नहीं करती है ना मूवी, ऐसी नहीं है जहाँ बोरिंग लगे। इंटरवल के पहले एक्शन ज़्यादा है या बाद में? सर दोनों में इक्वली है सर, इसमें भी अच्छा है कि मतलब आपको देखने की इच्छा होती है कि और हो इस टाइप का। अनन्या पांडे का काम कैसा लगा? सर बहुत अच्छा था उनका भी काम, और जो विजय और कोंडा की माँ बनी है राम्या कृष्णन उनका अरे सर उनका परफॉर्मेंस तो बहुत, वही तो उनको मोटिवेट कर रही है सब चीज़, वही कर रही है उनकी बल पे वो आगे बढ़ते जा रहा था सर। मतलब ओवरऑल देखे जाए तो फिल्म एंटरटेनिंग है, एंटरटेनमेंट हाँ सर बहुत सर। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मैं तो 5 से ज़्यादा दे दूँ सर, 5 से अगर 10 भी तो 10 दे दूँ मैं। चलिए थैंक यू। कैसी लगी मूवी? एक नंबर मूवी थी सर, बहुत बढ़िया बढ़िया लगी। आपको क्या क्या अच्छा लगा मूवी में? फाइट, एक सेकेंड भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मूवी बोर कर रही है, कहीं भी नहीं लगा है। कहीं भी एक सेकेंड भी नहीं लगा, पता भी नहीं चला कि मूवी कब खत्म हो गई। अच्छा एक्शन कैसा है मूवी का? एक्शन सर बेस्ट है, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है 2022 की। अच्छा अगर देखा जाए। और जो मूवी में परफॉर्मेंस है विजय की वो कैसी है? एक नंबर परफॉर्मेंस है। अनन्या भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है। अनन्या का काम कैसा? एक नंबर है सर, मतलब ओवरऑल मूवी अच्छी लगी। मूवी बहुत 10/10 है सर, 10/10। और विजय की इससे पहले मूवीज देखी है आपने? देखी है लेकिन नाम वो साउथ मूवी थी तो वो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन देखी है मूवी। तो विजय की परफॉर्मेंस मतलब अच्छी लगी मूवी? बढ़िया सर, पहला हाफ अच्छा है या? ये मूवी सर देखना ही चाहिए, मैं डबल देखने आऊँगा, इतनी अच्छी लगी सर, अच्छी लगी सच में। कल वो देखने और आऊँगा मॉर्निंग से। इंटरवल के पहले ज़्यादा अच्छी है बाद में? सर बाद में, और ना फाइट होती है ना इसलिए। कॉमेडी है मूवी में या एक्शन ही है बस? सर कॉमेडी तो नहीं है, एक्शन ही है। एक्शन एक्शन कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्शन ही है बस। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? सर 5/5। और जो डायरेक्टर है उनको क्या कहना चाहेंगे? करण जौहर प्रोड्यूसर है वो तो, है ना प्रोड्यूसर पूरी जगन्नाथ। हाँ नहीं उनके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन सर मूवी अच्छी है, मूवी से मतलब है अपने को तो बस मूवी अच्छी है, अच्छी लगी। विजय की परफॉर्मेंस एक नंबर अच्छी थी, कॉमेडी के हिसाब से बढ़िया है, कॉमेडी अच्छी। एक्शन कैसा था मूवी? एक्शन भी अच्छा था। विजय का काम कैसा लगा? अच्छी है विजय की एक्टिंग, अच्छी है एक्टिंग, अच्छी है अच्छी। और उनकी हिंदी डबिंग? हिंदी डबिंग थोड़ी वीक है, बाकी ठीक है काम चल जाता है। और उनकी जो परफॉर्मेंस है मूवी में एज अ बॉक्सर मतलब इम्प्रेस करती है, मतलब परफॉर्मेंस? हाँ मेहनत की है, बॉडी वॉडी बनाई है उसके लिए तो अच्छा है लुक। और अनन्या का काम? अनन्या का नॉर्मली था, उसको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था अनन्या का, उसमें तो उससे थोड़ा सा बोर हो गए थे पब्लिक अनन्या से। हाँ अरे मूवी का फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है या सेकेंड हाफ? सेकेंड हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही है नॉर्मल चल। एक्शन कितना है मूवी में? ज़्यादा एक्शन है या फिर कॉमेडी है? दोनों बराबर है, एक्शन कॉमेडी मिक्स है। कहीं बोर करती है? हाँ स्टार्टिंग में लगा था बोर, ऐसा करती है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे इस फिल्म? 3 स्टार। हाँ और विजय के लिए? विजय के लिए तो 5 स्टार। थैंक यू। कैसी लगी? कैसी लगी? बहुत बढ़िया पिक्चर है भैया। क्या क्या अच्छा है मूवी में? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एक्शन साउंड वगैरह एकदम सब बढ़िया एकदम। विजय का विजय की परफॉर्मेंस एक नंबर, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और क्या है अच्छा मूवी में? अनन्या पांडे है, राम्या कृष्णन है, अनन्या पांडे सब बढ़िया, बहुत सबकी एक्टिंग अच्छी है, साउंड अच्छा है, मजा आएगा पिक्चर देखने। एक्शन तो एकदम जबरदस्त अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। विजय का पैन इंडिया में पहली मूवी है, डेब्यू हुआ है हिंदी में, तो क्या लगता है उनसे क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए? अरे आगे तक बहुत चलेंगे यार, चलेंगे अच्छा। आउट ऑफ 5 कैसी लगी? अच्छी लगी, बॉडी अच्छी लगी, बॉडी अच्छी लगी। सर कैसी लगी? ठीक थी भैया। कैसी लगी? बढ़िया। कैसी लगी ब्रदर? सर बढ़िया। कैसी लगी? बढ़िया थी, अच्छी लगी। हाँ कैसी लगी? ना मजा नहीं आया सर। क्या बुरा लगा और क्या अच्छा था मूवी में? स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है सर, स्टोरी लाइन। विजय की परफॉर्मेंस कैसी रही? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी, बढ़िया रही। और अनन्या भी है, राम्या कृष्णन भी है, कैसा उनका काम कैसा है? उनका परफॉर्मेंस अच्छा है बट स्टोरी लाइन नहीं खास। आउट ऑफ 5 इट्स 3 ओनली। और विजय के लिए?
सर कैसी लगी मूवी? क्या क्या अच्छा है मूवी में? एक्शन एक्शन वगैरह है, फाइट वगैरह, हीरोज, दम, सब कुछ। तो विजय की परफॉर्मेंस कैसी है मूवी? बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी, मस्त। आउट ऑफ फाइव? हाँ, फाइव फर्स्ट। ब्रदर कैसी लगी मूवी? बहुत झकास, झकास लगी। क्या क्या अच्छा है मूवी में? फाइटिंग सीन है, इंस्पिरेशन है, इमोशनल है, सारे चीज़ें। विजय की परफॉर्मेंस कैसी है मूवी में? बहुत धाकड़ है, फाइटिंग सीन। डायट फैन हूँ विजय के? हाँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, डियर कॉमरेड से उनका फैन हूँ जी। हाँ, और गीता गोविंदन का पहले से देखा था। हाँ, दो दो मूवी देखकर मैं विजय का फैन। आउट ऑफ फाइव कितने स्टार देंगे? 4.5। हाँ ब्रदर कैसी लगी? बढ़िया। क्या क्या अच्छा है मूवी में? ब्रदर कैसी लगी? फाइटर एक नंबर, अच्छी लगी। क्या क्या अच्छा है मूवी में? अच्छी लगी। क्या क्या अच्छा लगा मूवी? तो ठीक थी सर, बाकी एक्शन सीन बढ़िया थे, एक्शन सीन्स अच्छे थे। विजय की परफॉर्मेंस कैसी है मूवी में? ठीक है सर, अच्छी है। इससे पहले उनकी कबीर सिंह, क्या नाम, अर्जुन रेड्डी, डियर कॉमरेड, ये मूवीज देखी है? यस सर देखिए, डियर कॉमरेड सारी देखी। देखिए तो उस उन फिल्मों से कंपेयर किया जाए तो इस फिल्म में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा अच्छी। रोमांटिक मूवी से एक्शन हीरो में हो गए, मतलब हाँ। मतलब बाकी फिल्म रोमांटिक हीरो के तौर पे थी, इसमें वो एक्शन हीरो के तौर पे। तो कहीं बोर करती है मूवी कहीं लगता है? बोर तो नहीं करती, फिर भी ठीक ठाक है, सबका अलग अलग फ्लेवर रहता है देखने का। सबका अलग अलग रहता। मूवी में अनन्या पांडे है, राम्या कृष्णन जो कि बाहुबली की माँ बनी थी वो भी हैं, उनका उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बढ़िया लगी। मतलब मूवी में एक्शन भी है, कॉमेडी भी है? कॉमेडी भी ठीक ठाक, इतनी तो नहीं है कॉमेडी मूवी खास। डायलॉग्स कैसे हैं मूवी? डायलॉग ठीक है, डायलॉग्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा मूवी कहीं मतलब इंटरवल के पहले ज़्यादा एक्शन दिखाया है मूवी में या बाद में? बाद में सर, इंटरवल के बाद में एक्शन ज़्यादा है। और माइक टायसन का कैमियो भी है इसमें? यस सर। तो आउट ऑफ फाइव कितने स्टार देंगे? 3.5।